खाला ये सब छोड़ें, खाना खाएं। अरे बेटा तूने खाम खाम ही जहमत की। फ्रिज में रात का सालन रखा था, तंदूर से रोटियां मंगा लेती। लो भला, मैं आपको कल रात का बासी सालन खाने देती? आप ही नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपको बचा कुचा पुराना खाना खाने दूं। बेटा मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम मुझे मिलने आई हो, खाना पकाने के लिए थोड़ी। तो क्या हुआ, ये मेरा भी तो घर है, यहाँ पे मेरा भी तो कोई हक है। या फिर अपने बेटे की तरह मुझे कोई हक देना नहीं चाहती? ऐसी बात नहीं है बेटी, इस रिश्ते से पहले भी मैं तुम्हें इस घर का फर्ज समझती थी, और अब तो तुम मेरी बेटी हो। आपकी यही मोहब्बत तो मुझे यहाँ ले आती है। खाला, लेकिन दानियाल को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है, वो तो अभी भी वैसा ही है जैसे पहले था। शायद उसने इस रिश्ते को अभी तक दिल से माना नहीं है। बेटा हर एक चीज का वक्त होता है, अपने वक्त पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। खाला पहले मैं भी यही समझती थी, लेकिन दानियाल वो तो सीधे मुंह मुझसे बात तक नहीं करता। मंगनी के इतने महीनों बाद भी अगर वो ऐसा है तो शादी के बाद कहाँ बदलेगा? मुझे तो लगता है मेरी सारी जिंदगी यूं ही तरसते हुए गुजर जाएगी कि कब दानियाल मेरी तरफ देखे, मुस्कुराए, कब वो मुझसे हंसकर बात करे। क्या मतलब? अभी मैंने उसे गलती से कॉल क्या कर ली, इतनी सुनाई है उसने मुझे, अब तो मेरी हिम्मत ही नहीं है उसे दोबारा फोन करने की। क्या मतलब, दानियाल ने इस तरह बात की है तुमसे? मुझसे बात की तो डांटूंगी मैं उसे, माजरत करेगा तुमसे? नहीं खाला, माजरत भले ना करे, लेकिन अच्छी तरह से बात तो कर लिया करे। आपस में बातचीत होगी तो फिर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। माशाल्लाह कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। शुक्रिया खाला, आप ये मत समझिएगा कि मैं दानियाल की शिकायत लगा रही हूँ आपसे, वो तो बस अपना दिल हल्का करना चाह रही थी, तो आपको अपना समझती हूँ ना, इसलिए आप ही से कहती हूँ। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, मैं फिर भी उसे डांटूंगी। वाकई दानियाल को तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। खाला आप खाना खा लें, ठंडा हो जाएगा। अच्छा।